नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुल्तान घोड़े की प्रैक्टिस दिखाने जा रहा हूं, जिसे बग्गी में आज पहले दिन लेके सवारी की जा रही है। इस बग्गी पे कुशवाहा की भूमिका निभा रहे हैं सवार शरीफ और जब्बार खां। इन दोनों लोगों की रंग सवारियाँ आपने देखी होंगी। सवार शरीफ की अभी आप तमाम रौनाई फैजाबाद से लगातार रंग सवारी की वीडियो देख रहे हैं। इस बग्गी पे राइड कर रहे हैं हमारे साथ सरफराज खां। और आपको बता दूं कि 30 अप्रैल 2019 कल के दिन यहाँ एक विशाल चेतक प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जो लेट जुबेर खान साहब की स्मृति में प्रत्येक वर्ष रखा जाता है। और आपको बात बता दूं तो इस फैजाबाद रेस की शुरुआत 2015 से सरफराज खान के द्वारा की गई, जो लगातार होते आ रही है। उनसे मैंने पर्सनली बातचीत की है कि ये रेस कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, उसकी प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं कि आज जो स्थिति इस रेस की है रौनाई फैजाबाद की, उसके चर्चे पूरे भारत में हैं। भारत के कई अन्य प्रदेशों से लोग इस रेस को देखने आते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे इंडिया में इस रेस की अलग ही तवज्जो लोग दे रहे हैं। हमारे यूपी बिहार में भी अब ऐसा कोई नहीं बचता जो हाजी सरफराज खान के द्वारा जो रेस यहाँ आयोजित कराई जा रही है उसमें पार्टिसिपेट न करे। साल दर साल इस रेस की परंपरा जिस प्रकार से बढ़ी और भीड़ भी प्रत्येक साल बढ़ते ही जाती है। आज अगर इस साल की हम बात करें तो लगभग 40 घोड़े या उससे भी ज़्यादा यहाँ पे प्रतिभागी के रूप में जुट चुके हैं, जो रेस में फाइट करेंगे। कम से कम अगर नॉमिनेशन होता है तो भी 30 से 40 घोड़ों से ज़्यादा ही का नॉमिनेशन सेमीफाइनल राउंडों के लिए होना चाहिए। कम से कम 30 घोड़े तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। जुटने की बात कहें तो खरीद बेच के लिए भी अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में घोड़े जुटने लगे हैं। मैं उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा और कुछ घोड़े खरीदे व बेचे भी जा रहे हैं। आगे उम्मीद ये भी आप लगा सकते हैं कि आगे के दौर में आने वाले समय में यहाँ पे एक अच्छा हॉर्स फेयर लग सकता है, जिससे यूपी बिहार के लोगों को भी आसानी होगी घोड़ों को खरीदने वो बेचने दोनों के लिए। जब अच्छा आपको बाज़ार मिलेगा तो वहाँ घोड़ों की खरीद बिक्री दोनों के लिए जो भी सुविधाएं अपने प्रदेश में होती हैं उसका लाभ वहाँ के रहने वाले लोगों को भी मिलता है। आज इस रेस के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों का संपर्क और यहाँ आना जाना बराबर लगा हुआ है। इस रेस की शुरुआती दौर से ही जब कभी भी अगर आप 30 अप्रैल को देखें तो आप यहाँ 21 या 22 तारीख से ही आकर और अपने घोड़े के साथ यहाँ रह सकते हैं। खाने पीने रहने सोने हर प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई है। बाग है, बागों में टेंट है और खाने पीने के लिए यहाँ पे प्रॉपर हर तरीके से व्यवस्था रहती है। लेकिन इस वीडियो में बग्गी राइड में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि जब सुल्तान घोड़े की बग्गी राइड हुई और सुल्तान घोड़े को जब यहाँ आपने चलते हुए देखा तो आप इस वीडियो का नज़ारा किस नज़ारे में देखते हैं। आगे अभी और सुल्तान की प्रैक्टिस अगर इस बग्गी में की जाती है तो उम्मीद है इससे और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन पहले या दूसरे दिन ही इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जिस प्रकार से उम्मीद की गई उससे ज़्यादा थी। घोड़े में उतावलापन ज़्यादा नहीं है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है सुल्तान जब इस बग्गी में दौड़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं सारे लोग बग्गी का लुत्फ उठा रहे हैं। अब्दुल्ला भाई काफ़ी दूर से प्रत्येक वर्ष यहाँ चल कर आते हैं रेस देखने के लिए। और भी कई लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं सरफराज खान की इस रेस को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल बटन का आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें कि जब कभी भी इंडियन हॉर्सेस की तरफ से कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अभी आपके बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए जिसमें आपने बताया कि कौन कौन घोड़े प्रतिभागी बन सकते हैं फाइनल राउंड के लिए। कुछ लोगों ने विजेता होने वाले घोड़ों के भी मुझे नाम जरूर बताए। वर्ड थोड़े बहुत स्प्लिट हो जा रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। वीडियो लंबी है और लगातार कंटिन्यू स्पीकिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। एक ही टेक में वीडियो मैं ले रहा हूँ, इसीलिए कहीं कहीं वर्ड टूटा है, उसके लिए क्षमा मैं ज़रूर चाहूँगा। तो मुझे ज़रूर आप भी बताएं कि इस रौनाई फैजाबाद उत्तर प्रदेश में होने वाली इस रहवाल रेस को आप किन मायनों में अच्छा मानते हैं। क्या कभी आप इस रेस में आए दर्शक बनकर या प्रतिभागी बनकर, अगर आप दूर से इस रेस को हमारे यूपी बिहार के बाहर से देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष जरूर यहां आकर और इस रेस
को आप देखें। यहाँ पे हरियाणा से भी घोड़े आए हैं, बाकी घोड़ा सूरत से भी चलकर यहाँ पर आया है। और भी जो भी रहवाल के घोड़े हमारे देश में मौजूद हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि हमारे प्रदेश में रहवाल की बहुत अच्छी रेसें होती हैं। आपको जो रेस पड़े, जो रेस अच्छी लगे, उसमें आप आएँ और प्रतिभागी बने। यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। 30 अप्रैल को ये डेट फिक्स है। आप यहाँ 20, 21, 22 अप्रैल कभी भी यहाँ पे पहुँच कर और यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। रेस देखने के लिए आए, घोड़े को लेके यहाँ पे प्रतिभागी बने। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत। चल आ गया, आ गया। कत ना रहा देख ना ये देखो बताओ पीछे बैठे के दिखते ना रहा ये तरह करे अंथला एक बार दिमाग ना लगे कैमरा पीछे ये अपन ले चलो पप्पू क्या करता है यार बढ़ावा चलो ना लोटी तब का सारा।